जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी से एक साधक के प्रश्नों के उत्तर। साधक ने प्रश्न किया, भाई जी संत कौन है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिसके पास रहने से, जिसकी बात मानने से, जिसके संग से भगवान में अभिरुचि हो और दैवी संपदा बढ़ती हो, वह चाहे कैसा भी हो तुम्हारे लिए संत है। अगला प्रश्न, भाई जी वास्तविक महात्मा कैसा होता है? श्री भाई जी कहते हैं, महात्मा का कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिससे किसी का परिणाम में अकल्याण हो या जो परमार्थ विरोधी हो, जो त्रिगुणातीत विकारों तथा प्राकृतिक द्वंद्वों से परे हैं, जो चराचर सब में सदा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, जो नित्य स्वस्थ हैं, या जो चराचर अखिल विश्व में सदा श्री भगवान का अव्यवधान दर्शन स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा सबको सहज में वैसे ही कल्याण प्राप्त होता है जैसे अमृत के द्वारा अमरत्व। अगला प्रश्न, महापुरुषों की पहचान क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, महापुरुष की पहचान कोई कैसे करे और क्या करे? हमारी बुद्धि का मापदंड ही ऐसा नहीं है जो उन लोगों की स्थिति को तोल सके, पर यह निश्चय है कि सच्चा महापुरुष जान अनजान में जिसको मिल गए उसका जीवन अवश्य सफल हो गया। फिर दोबारा से बोलता हूँ, पर यह निश्चय है कि सच्चा महापुरुष जान में अनजान में जिसको मिल गए उसका जीवन अवश्य सफल हो गया। भगवान के साधन राज्य में दो ही वस्तु ऐसी हैं जो बिना भाव के केवल अपने स्वाभाविक गुण से ही मनुष्य का परम कल्याण कर देती हैं। पहला महापुरुषों का संग और दूसरा श्री भगवान नाम का उच्चारण। अगला प्रश्न, सच्चे संत कैसे मिलें और किस प्रकार उनसे अपना कल्याण हो? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संतों और भगवत प्रेमियों की जमात नहीं होती, तथापि श्रद्धा और उत्कंठा का बल होने पर भगवान की कृपा से ऐसे महात्माओं के दर्शन भी हो सकते हैं। संत मिलन की तीव्र आकांक्षा करनी चाहिए और भगवान की कृपा का आश्रय करके भगवान को पुकारना चाहिए। संत मिलन के लिए भगवत कृपा से किसी न किसी सच्चे संत से हमारा मिलन हो ही जाएगा। ऐसे महात्माओं का दर्शन स्पर्श श्रवण एक साथ निवास और स्मरण भी अमोघ होता है। न पहचानने पर भी केवल दर्शन के फल स्वरूप ही मनुष्य के सारे पाप तापों का और अज्ञान का नाश होकर उसका कल्याण हो सकता है। अगला प्रश्न, संत दर्शन का क्या फल होता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत दर्शन और संत प्राप्ति का फल परम कल्याणकारी होता है। अनजान में यदि किसी को संत समागम मिल जाता है तो वह भी संत के स्वाभाविक पाप नाशक गुण का स्पर्श पाकर निष्पाप हो जाता है। संत के अंदर जो भगवत परमाणु हैं वे बिखरकर यथा योग्य न्यूनाधिक रूप में सबका सहज कल्याण करते हैं। अगला प्रश्न, संत की चरण धूलि सिर लगाने का क्या महात्म्य है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत के दर्शन स्पर्श उपदेश श्रवण और चरण धूलि के सिर चढ़ाने की बात तो दूर रही। जो कभी अपने मन से संतों का चिंतन भी कर लेता है वही शुद्ध अंतःकरण होकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अगला प्रश्न,
संतों की वाणी का क्या प्रभाव होता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत की वाणी का सीधा संस्पर्श हो जाए, देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें, मनन कर सकें, तो कहना ही क्या। किंतु यदि केवल सुन ही सके तो उसका फल भी अमोघ होता है। अगला प्रश्न, सत्संग क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिन वस्तुओं से हमारे अंतःकरण में स्थित दुष्ट विचारों का नाश होकर सद्विचारों की उत्पत्ति हो और चित्त वृत्ति की गति भगवान की ओर होने लगे, वही विषय सत्व स्वरूप परमात्मा के साथ हमारा संबंध कराने वाला होने के कारण सत है और उसका संग सत्संग है। अगला प्रश्न, उत्तम सत्संग का स्वरूप क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, इसके दो स्वरूप हैं। एक वह जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनकर मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप होता है, और दूसरा वह जिसके क्षण काल की भी मोक्ष के साथ तुलना करना असंगत माना गया है। इनमें पहले की अपेक्षा दूसरे की विशेष महिमा है। अगला प्रश्न, सत्संग के अभाव में क्या करें? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान नाम को अपना साथी बनाएं। भगवान के नाम, रूप और लीला, यह साथ बने रहें, फिर और किसी संग की जरूरत नहीं होगी। इनसे बड़ा कोई संत भी कहाँ मिलेगा। जप से, नाम का, ध्यान से रूप का, और गीता भागवत आदि के स्वाध्याय से भगवत लीलाओं का संग हो सकता है। अगला प्रश्न, कुसंग क्या है? जिस व्यक्ति, वातावरण, परिस्थिति, वस्तु, विचार आदि के द्वारा तीन चीजें हों, भगवान की ओर से चित्त वृत्ति हटे, दूसरा भोग विषयों की ओर रुचि बढ़े एवं विषयों की प्राप्ति के लिए पाप की ओर प्रवृत्ति हो। अगला प्रश्न, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के उत्थान और पतन के लिए जितने कारण हैं उनमें संग एक प्रधान कारण है। संग के अनुसार ही मनुष्य का मन बनता है और मन के अनुसार ही क्रिया होती है और क्रिया के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे हृदय का मनुष्य भी नीच संग से नीच मन वाला होकर गिर जाता है। भाई जी, साधु असाधु के संग का क्या अंतर है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, विषय आसक्त मूढ़ पुरुषों का समागम मोह जाल की उत्पत्ति का कारण है, और प्रतिदिन साधु महात्माओं का समागम करना धर्म की उत्पत्ति का हेतु है। अगला प्रश्न, सत्संग की आवश्यकता क्यों है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मन के विकारों को, दुर्बलताओं को तथा दोषों को दूर करने एवं भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास एवं आस्था उत्पन्न करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, संतों के पास जाना प्रारब्ध के अधीन है क्या? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संसार में कहीं आना जाना, मिलना बिछुड़ना प्रायः प्रारब्ध के अनुसार हुआ करता है, पर भगवान की स्मृति तथा प्रीति की अनुभूति सर्वत्र सदा हो सकती है। इनमें भाव की आवश्यकता है। भगवान जिसको अपना बना लेते हैं, भगवान जिसको अपना लेते हैं उसको छोड़ना कभी जानते ही नहीं, यह निश्चय रखना चाहिए। अगला प्रश्न, भक्त और भगवान में अभेद होने पर भी भक्त के कार्य भगवान जैसे क्यों नहीं होते हैं? उत्तर में भाई जी कहते हैं, भक्त और भगवान में अभेद होता है, पर भक्त का कलेवर दिव्य नहीं होने से उस कलेवर के सीमित क्षेत्र में ही भगवान कर्म करते हैं। जैसे उस भक्त की जो भाषा है भगवान उसी भाषा में बोलते हैं, और उस भक्त का जो कार्य क्षेत्र है भगवान उसी क्षेत्र तक ही कार्य करते हैं। पर अवतार के समय भगवद विग्रह दिव्य होने से वहाँ भगवान अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, क्या किसी व्यक्तित्व को
भगवान मानकर पूजा करना उचित है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान के पवित्र स्थान पर अपने को बैठाना चाहता है या भगवत पूजा के स्थान में अपने हांड मास के गंदे शरीर और अपने कल्पित नाम की पूजा करवाता है तथा अपने को शक्तिमान स्वीकार करता है, वह वास्तव में पाखंड या दंभ ही करता है। मूर्ति में भगवान की पूजा करने वाला मूर्ति को भगवान माने, पतिव्रता स्त्री पति को परमेश्वर माने, शिष्य गुरु को परमात्मा माने, ये सब मानने वालों के कल्याण के लिए हैं। वस्तुतः न तो पत्थर की मूर्ति भगवान है, न हाड़ मांस का पति का शरीर या गुरु का शरीर ही परमेश्वर या परमात्मा है। हाँ, भगवान सबके अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण होने से भगवान के सिवा जगत में कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से तो सभी भगवान हैं। अगला प्रश्न, आजकल लोग प्रायः सच्चे संत महात्माओं में भी दोषारोपण कर देते हैं, इसका कारण क्या है? उत्तर में भाई जी कहते हैं, हम अपनी जिस विषय आसक्त कामनाग्रस्त अज्ञान विमोहित और अनिश्चयात्मिका बुद्धि की कसौटी पर कसकर सत्पुरुषों को या महात्माओं को पहचानना चाहते हैं, उस कसौटी पर कसी जाने वाली वस्तु उन महापुरुषों में कोई दोष नहीं रहने पर भी हम अपनी अश्रद्धा और तमसावृत्ता बुद्धि से उनकी चेष्टा के रहस्य को न समझकर उनमें दोषारोपण कर देते हैं। यदि सच्चे संत न मिले तो क्या ऐसे संतों के स्मरण से लाभ होता है? सच्चे संत की स्मृति ही पाप ताप और अज्ञान अहंकार का नाश करने वाली है। अगला प्रश्न, संत सेवा का प्रधान साधन क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संतों के बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा और साहस के साथ चलना, जो अपनी साधना के द्वारा संतों की साधना की पूजा करते हैं, वही असल में सच्ची संत सेवा करता है। अगला प्रश्न, संत का संग सेवन क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संग वही है जिसमें उन संत पुरुष के विचारों भावों उपदेशों तथा उनके द्वारा प्राप्त तत्व विचारों का नित्य मनन होता रहे, और सेवन वह है जिसमें इन सब का जीवन में विकास हो जाए। अगला प्रश्न, क्या सच्चे संत में श्रद्धा होने पर ही उनके संपर्क का लाभ मिलता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, पर वे यदि मिल गए तो काम बन गया, उनमें वस्तु गुण से ही काम बन जाता है। श्रद्धा होने पर काम हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगला प्रश्न, संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के लिए कार्य करना? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक महात्मा यदि परम सिद्ध और शक्ति संपन्न हो तो वे कहीं एकांत में मौन रहकर भी अपनी शक्ति से भंडारों में से नित्य निरंतर अपने आप जगत को जितना देते हैं, जितना विश्व का महान कल्याण करते हैं, उतना कोई भी बहाय समर्थ तथा सच्चा प्रचारक भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, जीवन मुक्त पुरुष द्वारा संपादित कर्मों का परिणाम भी पाप पुण्य होता है क्या? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, वस्तुतः कर्म संज्ञा वही सिद्ध होती है जहाँ कोई कर्ता होता है। जीवन मुक्त में कर्तापन का अहंकार रहता नहीं, इसलिए उसके द्वारा कर्म नहीं होते। अगला प्रश्न, संतों के चरण स्पर्श या उनकी चरण रज लेने को लोग लालायित रहते हैं, यह कोरी भावुकता से करते हैं या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत में है केवल भगवत भाव, अतः उसके शरीर से निरंतर भगवत भाव के परमाणु निकलते रहते हैं। हाथों की अंगुलियों के पोरवों और चरणों के पोरवों से विद्युत के परमाणु विशेष मात्रा में बाहर निकलते हैं,
तथा पैर के अंगूठे से तो वे सबसे अधिक निकलते हैं। अतः जहाँ जहाँ संतों के चरण टिकते हैं वहाँ वहाँ उसमें उनके शरीर के रहने वाले विद्युत के जो भगवत भाव में हैं परमाणुओं का समावेश हो जाता है और वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। जय श्री राधे। ये थे संत और सत्संग से संबंधित प्रश्नोत्तर पूज्य श्री भाई जी द्वारा। जय श्री राधे।